सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात करने वाले पांच मिनट से जो हमारी लाइफ सेव कर सकती है, जो हमें बचा सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पांच मेडिसिन आप कहीं से खरीद नहीं सकते, लेकिन ये सब हमारे पास है। कई बार लोग बोलते हैं कि बिना दवाई के हम कैसे ठीक हों, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना होगा, दवाई के साथ तो कोई कभी ठीक हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। कोई भी दवाई के साथ कोई भी इंसान किसी भी बीमारी से थोड़ा बहुत भी ठीक अगर हो जाए, ऐसा है नहीं। ये तो एक नॉर्मल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे हर तरह की हमारे ऑडियंस है, बच्चे हैं, बड़े हैं। जब मेरा मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता है तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, ऐसी एक दवाई का नाम बताइए जिससे कोई एक बीमारी थोड़ी बहुत ठीक होती हो, पूरी तो छोड़ ही दीजिए, ऐसी एक मेडिसिन बताइए जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत ही सही ठीक होती हो। ये सुनने में ये स्टेटमेंट आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर एविडेंस बेस्ड बात करें, एविडेंस बेस्ड साबित करने की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोल दे कि हाँ ट्यूबरक्लोसिस की दवाई ट्यूबरक्लोसिस ठीक करती है, ये बोलने वाली बात है, लेकिन अगर मैं अगला स्टेप पूछूं कि भाई उसका एविडेंस दिखा दो कहाँ पे आपने साबित किया है, तो वो मिलेगा नहीं कहीं पे। अगर हम बात करें उससे, हाँ सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा बट बीमारी नहीं जाएगी। सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर सिक। हाँ सिम्टोमेटिक रिलीफ की बात नहीं कर रहा, जैसे मानो पेन किलर से पेन गायब जरूर महसूस होगा, लेकिन पेन का कॉज नहीं गया, और जब वो पेन किलर का असर खत्म हो जाएगा तब वो पेन उल्टा और ज़्यादा होगा और साथ में कई सारी चीज़ जुड़ जाएंगी। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ को क्योर हम नहीं बोलेंगे, मतलब क्योर से कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो फिलहाल इरादा तो यही है कि हमें कोई बीमारी हो तो हम ठीक हो जाए, कैसे भी चाहे, और हम में से कोई भी ये बोल नहीं सकता कि हम कभी बीमार नहीं पड़ते। बीमार तो पड़ना ही है, ये ज़िंदगी है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो व्हाट बेस्ट वी कैन डू, हमें क्या करना है, इस पर हम बात करते हैं। ख़ास तौर पे उनके लिए जो आलसी लोग हैं, जो कुछ भी बदलना नहीं चाहते, कि शर्त ये रख दी मैं अपना खाना पीना नहीं बदलूँगा, वही खाऊँगा जो मैं खाता हूँ, जो मुझे पसंद है, पैसे भी नहीं खर्च करूंगा, एक्सरसाइज भी नहीं करूंगा, बताओ मुझे कैसे ठीक होना है। अगर आप उनमें से हैं तो पांच में से पहला नियम जो आपको बताने जा रहा हूं तो आपके लिए है। जो आलसी लोग हैं, जो कुछ भी अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको भी हक है ठीक होने का, तो पहला नियम, आई कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। आपके बॉडी क्लॉक, आपका सर्कैडियन रिदम को अगर ठीक कर लें तो अधिकतर बीमारियां बड़ी तेज़ी से ठीक होने लगती हैं। इस बात को अगर आपको समझना है तो आप जो मैं अब अगले एक मिनट में बोलने जा रहा हूं इसको समझिए। आप एक एक्सपेरिमेंट कल सुबह कीजिए, सुबह 10 बजे आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर कीजिए, रात को ठीक 10 बजे दोबारा से ब्लड प्रेशर मेजर कीजिए। सुबह का ब्लड प्रेशर यहाँ पे ऊपर 140/90 फॉर एग्जाम्पल, रात का ब्लड प्रेशर हमेशा नीचे रहेगा 120/80 या उससे भी नीचे, यानी कि 20% का फर्क रहेगा, रात वाला नीचे रहेगा, रात वाला। ये है ब्लड प्रेशर का रिदम, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, सुबह वाला हमेशा ऊपर, रात वाला हमेशा नीचे, बाय 10-20%। अगर हमें से कोई ऐसा निकल जाए जिनका रात और सुबह वाला एक जैसा है या रात वाला ज़्यादा है, दिस मीन्स दैट पर्सन इज प्रोन टू हार्ट अटैक। कई बार लोग बोलते हैं मैं कैसे पता चलेगा कि आने वाले दिनों में मैं हार्ट अटैक होगा, तो अगर ये सवाल आपका है तो इसका जवाब मैंने अभी दिया कि आपके ब्लड प्रेशर का एक रिदम है, वो रिदम अगर बिगड़ा तो यानी कि कुछ इंडिकेशन है। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का एक रिदम है जो कि घर बैठे आप आराम से चेक कर सकते हैं, उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हम किडनी की बात करते हैं, तो आप दो बोतल लीजिए और एक बोतल में पूरे दिन भर में जितना आप पेशाब करते हैं उसको आप कलेक्ट कीजिए, एक और बोतल में आधी रात को जब उठते हैं तब जितना अगर पेशाब करते हैं तो उसको कलेक्ट कीजिए। दिन भर वाला बोतल में जो पेशाब कलेक्ट होगा वो करीब 2/3 होना चाहिए इन कंपेरिजन टू जो रात वाले में कलेक्ट हुआ, 2/3 या उससे ज़्यादा, रात वाला 1/3 उससे कम, यानी कि किडनी फंक्शनिंग इज सर्कैडियन रिदम ऑफ किडनी इज परफेक्ट। तो
बॉडी का कोई भी ऑर्गन की बात करें तो उसका एक रिदम है, उसकी एक टाइमिंग है, वो टाइमिंग अगर बिगड़ती है तो समझ लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है। वेरी सिंपल, यानी कि उस प्रॉब्लम को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो सिंपली उस टाइम को ठीक कर देंगे, जो कि बड़ा आसान है, जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी अगले 2-4 मिनट में, और आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। जो मैंने अभी बताया आपको उसका ये एविडेंस मैं साथ साथ देता जा रहा हूँ, ताकि जिनको बहुत डिटेल में जानना हो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी चल रही है, इसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो ये सारे एविडेंसेस देखने आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब इन सब को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें करना क्या होगा? करना बड़ा सिंपल है। अब मैं जो बोध बताने जा रहा हूँ ये मेरे अगले 1 घंटे का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो अगले 1 मिनट बता रहा हूँ वो ये, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में ही आपको खाना है। टाइम इज मेडिसिन, ना तो 8 AM से पहले कुछ खाएंगे ना 6 बजे शाम के बाद कुछ खाएंगे। पानी पी सकते हैं कितना भी कभी भी, बट पानी के अलावा कुछ नहीं। अगर आपने अपना ईटिंग ब्रैकेट को 10 घंटे का कर दिया, 10 आवर्स, फास्टिंग ब्रैकेट को 14 घंटे का कर दिया, अगर इतना आपने किया जो मैंने पिछले 1 मिनट में कहा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि अगले 7 दिन के अंदर आपका ब्लड शुगर ड्रॉप होने लगेगा। फॉर डायबिटीज पेशेंट 7 से 10 दिन में आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगेगा, टू द एक्सटेंट आपको दवाइयों को टेपर डाउन करने की जरूरत पड़ेगी। 15 दिन के अंदर आपके जो घुटनों के दर्द वगैरह उनमें क्लियर कट आराम दिखने लगेगा, महसूस होगा। 1 महीने के अंदर आपका बॉडी वेट 2%, 3%, 5%, वो भी वहां से जहां पे एक्सेस है वहां से गायब होने लगेगा। टाइम एज मेडिसिन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि भाई क्या खाना है, कितना खाना है, कम खाना है, ज़्यादा खाना है। आई एम सेइंग रिड्यूस द टाइम ऑफ ईटिंग बिटवीन 8 AM टू 6 PM, क्योंकि जब आप इस ब्रैकेट में खाते हैं तो आपका जो बॉडी क्लॉक है, चाहे वो ब्लड प्रेशर का बॉडी क्लॉक है, चाहे वो किडनी का बॉडी क्लॉक है, चाहे वो पेनक्रियाज का बॉडी क्लॉक है, वो बड़ा ठीक होने लगता है। एक इंटरेस्टिंग बात, ज़्यादातर बीमारियाँ देखी गई हैं वो नींद से जुड़ी हुई हैं। ठीक टाइम पे नींद नहीं आना, सुबह उठना है तो उठने का मन नहीं करना, अलार्म क्लॉक की मदद से ही उठना, मजबूरी में ही उठना, वीकेंड पे ज़्यादा सोना, इससे ये साबित होता है कि वीक डेज पे सो नींद पूरी नहीं हुई। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो यानी कि ये आपके बॉडी क्लॉक में गड़बड़ है। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आप करके देखेंगे, आप जो लोग जिनको नींद नहीं आती, आपको समझना होगा हाउ वी स्लीप, नींद आती कैसे हमें, जब भी नींद नींद आती है, नींद आने से आधे घंटे पहले हमारा बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होता है 0.5 डिग्री, तो उससे हमें नींद आ जाती है। अगर मुझे अभी आपको सुलाना हो, नींद में सुलाना हो, तो मुझे आपके बॉडी का टेम्परेचर 0.5 डिग्री ड्रॉप कराना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा मैं कर पाऊँ तो उसी वक्त आपको नींद आएगी। वॉट ट्रिगर स्लीप, ड्रॉपिंग योर टेम्परेचर बाई 0.5 डिग्री, दैट्स ऑल। उससे वही जरूरी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जिससे आपको नींद आती है, राइट। यानी कि जिनको नींद नहीं आती वो एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे का टेम्परेचर 1 डिग्री कम रखिए, 2 डिग्री कम रखिए AC चला के, और जब सोना है तभी एंटर कीजिए। एकदम से आपका बॉडी टेम्परेचर जाहिर सी बात ड्रॉप होगा एंड यू विल बी स्लीपी, राइट। अगर ये नहीं कर सकते तो एक और काम कर सकते हैं, आधे घंटे 40 मिनट पहले आप बहुत गर्म पानी जितना आप सह सके नहा लीजिए, आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन नहाने के बाद ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है वो ड्रॉप होने लगेगा। दिस ड्रॉप कॉजेस स्लीप। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके जो नींद है उसका एक सर्कैडियन रिदम है, आपके बॉडी का टेम्परेचर उसका एक रिदम है। बॉडी को पता है कब टेम्परेचर अप करना है, कब डाउन करना है, एक जैसा नहीं है वो, इसे कहते हैं सर्कैडियन रिदम। इसमें जब बिगड़ने लगता है तो बीमारियां मैनिफेस्ट होती हैं। ये अगर बिगड़ा भी इसको ठीक करना है तो उसका एक ही मंत्र जो मैंने बताया, ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 8 AM टू 6 PM। आप ये मन बना लीजिए शाम के 6 बजे से पहले डिनर कर लेंगे, चाहे कितना मर्जी खाइए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बोल रहा, जो आप खाते हैं वही खाइए, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इफ यू कैन डू दिस फॉर 70% ऑफ पीपल, हमारे हिम्स हॉस्पिटल है पूरे देश में 20, एक मलेशिया में कुआलालंपुर में है, हिम्स जयपुर भी है, जयपुर के हमारे राजू मुकीम जी यहाँ बैठे हैं सामने, तो हमारे हिम्स हॉस्पिटल में जब लोग आते हैं, पेशेंट्स भर्ती होते हैं, तो हमें पता है ये ठीक हो जाएंगे, हमें पता 70% चांस तो ये ठीक हो जाएंगे। वो किस लिए? क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में 9 बजे ब्रेकफास्ट मिलता है और शाम के 6:30 बजे तक डिनर मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता है।
राइट तो हमें पता है चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो, किडनी फेलियर पेशेंट हो, ये रूल तो हमें करना ही है, तो कुछ और काम करें ना करें दिस वन रूल विल वर्क फॉर 70% ऑफ द पेशेंट, राइट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कि ये रूल तो घर पे भी कर किया जा सकता है या घर पे ही किया जा सकता है ना। थोड़ा सा बिजनेस में फर्क पड़ेगा राजा मुकिम जी के, क्योंकि आप उनके हॉस्पिटल ना जाके ये चीज़ घर पे कर सकते हैं, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें जो इंसान को ठीक कर सकती हैं वो इतना सिंपल होती है कई बार कि उसका सिंपल होना ही प्रॉब्लम है, लगता है इतना सिंपल है ठीक कैसे हो सकता। मेरे बोलने पे आप एक हफ्ता करके देखिए नुकसान तो कुछ है ही नहीं, आपको बहुत जल्दा है, राइट। सो इट इज़ कॉल्ड सर्कैडियन रिदम, राइट। और उसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, राइट। अब आता है देखिए ये हम करते हैं यहाँ पे कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनका हम टाइमिंग करते हैं 10 AM टू 6 PM और छोटा कर देते हैं, 16 घंटे फास्टिंग, 8 घंटे खाना है 15 दिन के लिए। फिर आता है 10-hour window of eating next 15 days, यानी कि 8 AM to 6 PM जो मैंने आपको बताया। जो लोग ठीक हो जाते हैं मेरे आपके जैसे लोग, 8 AM to 8 PM खाना है, 8 PM के बाद बिल्कुल नहीं खाना अगले दिन 8 AM तक। That can be a lifestyle for life long, वो उनके लिए जो पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। ये रूल हम लोगों को बताते हैं जब हॉस्पिटल में आते हैं हमारे, वी कॉल इट हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज जो हमारे संस्था का नाम है, बिकॉज वी बिलीव कि ट्रेनिंग से ही इंसान हेल्दी रह सकता है, ट्रीटमेंट से नहीं, क्योंकि वो चीज़ जो आप हमेशा करेंगे वही आपको हेल्दी रखेगी, ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये तो हुई बात उन लोगों की जो 70% लोग हैं जिनको फ़ायदा होने वाला है, 30% लोग जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे, तो उनके लिए दूसरा मेडिसिन है, दैट इज फूड एज मेडिसिन। तो आज 5 दवाइयों की मैं बात करूंगा, बाकी 30% लोगों के लिए फूड एज मेडिसिन। ये मैंने आज से करीब 10-12 साल पहले शुरू किया था, द DIP डाइट। DIP डाइट की ये किताब भी तब लॉन्च की थी, आज से 10-12 साल पहले जब शुरू किया था। तो हमारे यहाँ पे योगेश मित्तल जी यहाँ बैठे हैं, सर आप भी जयपुर के हैं, तो हम लोगों ने मिलकर शुरू किया था, थैंक यू। और DIP डाइट आप में से कुछ लोगों को पता है DIP डाइट के बारे में, हाउ मेनी ऑफ यू, मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो, राइट। काफ़ी आप में से पाठक साहब भी हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ बैठे, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग, जयपुर के, यस जानते हैं। तो DIP डाइट क्या है ये एक मिनट के लिए बता दूँ, उसके बाद क्या फ़ायदा हो सकता है वो बता दूँ, कैसे हो सकता है। बहुत ही आसान है, सिंपल। स्टेप 1, 12 बजे तक आपको सिर्फ फल खाना है, 8 to 12 noon। कितने फल खाने हैं, 3 से 4 तरह के, और कितना क्वांटिटी खाना है आपके बॉडी वेट के अनुसार। मेरा बॉडी वेट 70 kg है, इंटू 10, 700 ग्राम कम से कम, ये है स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे तो 2 प्लेट लेंगे। प्लेट 2 जो आप देख रहे हैं ये वो प्लेट है जो आप अभी भी खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल इडली डोसा उल्टा सीधा जो भी आप खाते हैं वहाँ पे। तो कुछ कम नहीं करने बोल रहा मैं, आपका जो स्टैंडर्ड डाइट है वही है, उतना ही है, बेशक से ज़्यादा कर लीजिए, लेकिन मैं सिर्फ एक दवाई ऐड कर रहा हूँ, दैट इज 4 तरह और वेजिटेबल्स, टमाटर खीरा मूली गाजर प्याज एक्सेट्रा जो भी आप खाना चाहते हैं, 4-5 तरह के रॉ वेजिटेबल्स। बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 350 grams। दिस बिकम्स माई मेडिसिन, वंस आई ईट दिस, अब मैं आई एम अलाउड टू ईट दिस। आपको हैरानी होगी कि आपको लगेगा इतना खाने के बाद ये खाया नहीं जा सकता, जबकि असलियत ये है कि इतना खाने के बाद 3-4 दिन ऐसा करेंगे तो आपकी भूख इतनी बढ़ जाएगी कि नॉर्मली जितना आप कुक फूड खाते हैं उससे ज़्यादा खाएंगे, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, आपकी ईटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो मतलब ये भी भरपूर आप खा पाएंगे। लंच और डिनर के लिए जब भी आप बैठेंगे तब प्लेट 1 पहले खाएंगे लंच में, और डिनर में भी उसके बाद प्लेट 2 खाएंगे साथ ही साथ, राइट। तो ये है स्टेप 2, राइट। 7 साल पहले ये फिनिश कर लिया, अब इमीडिएटली बाद ये फिनिश कर लिया वही। स्टेप 3 एक आखिरी छोटा सा स्टेप है, एंड दैट इज 2 तरह की चीज़ें आपको नहीं खाना है। एक चीज़ जो फैक्ट्री से निकल के आती है, पैक फूड बिस्किट ब्रेड नमकीन रिफाइंड चीज़ें, एक जो जानवरों से निकल के आती है जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ,
यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन कई बार होता है कि भाई डेयरी प्रोडक्ट इज गुड फॉर योर हेल्थ, इसमें कैल्शियम वगैरह होता है, ऐसा कई सारे लोग बोलते हैं। याद रखिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। शेर गाय को खा जाता है, लेकिन गाय को पकड़ के गाय का दूध पीते हुए देखा कभी? कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हम दूध इसलिए देते हैं बच्चे को, बच्चा ग्रो करता है, बड़ा बन जाता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि गाय के दूध में जो ग्रोथ हार्मोन है वो 12 से 15 गुना 16 गुना ज़्यादा है इंसान के दूध के ग्रोथ हार्मोन से। एक गाय का बछड़ा 6 महीने में 100 किलो का गाय बन जाता है, इंसान को 100 किलो बनने में सालों लग जाते हैं। लेकिन हम अपने बच्चे को कोई गाय भैंस होना बनाना चाहते हैं, हम तो इंसान बनाना चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी एक फूड में, फूड बोले या सो कॉल्ड फूड में कितना कैल्शियम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम इसलिए हम लेते हैं, तो नाखून में तो दुनिया का सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, तो नाखून को पाउडर बना के क्यों नहीं आप खा देते? क्योंकि कोई भी जानवर नहीं खाता है, जबकि कैल्शियम सबसे ज़्यादा नाखून में। कारण एक ही है कि ये बॉडी में हजम नहीं होगा, कहीं ना कहीं जगह अटक जाएगा। कई लोग बोलते हैं प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, हाइएस्ट प्रोटीन हमें लेना है। हाइएस्ट प्रोटीन दुनिया का आपको पता होगा बालों में होता है, तो बाल काटने के बाद वो फेंकिए मत, उसका नूडल बना के खा लीजिए। तो वो क्यों नहीं करते हम? क्योंकि पता है कि वो बॉडी में हजम नहीं होगा, कहीं ना कहीं अटक जाएगा, राइट? तो इट इज नॉट इन ए डाइजेस्टेबल फॉर्म, राइट? इसीलिए हम उसको अब बोलते हैं कि हाई कार्ब हमें लेना है। किसी को मान लो तो हाई कार्ब लेना, ये लकड़ी है दुनिया का सबसे बड़ा कार्ब, इससे ज्यादा कार्ब कहीं नहीं है। तो लकड़ी को अगर पाउडर बना के घोल के पी लें, लेकिन वो कोई नहीं करेगा, जानवर भी नहीं करेगा। कारण ये, इट इज नॉट इन ए एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो दूध का जो कैल्शियम, इट इज नॉट इन ए टोटली एब्जॉर्बेबल फॉर्म। जो पार्ट बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ना फेंक पाती है, बॉडी उसे स्टोर कर देती है, जिसे बोलते हैं स्टोन, जिसे बोलते हैं ब्लॉकेज, राइट? तो मेरे बोलने पे बाकी कोई नियम ना मान के सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट को 15 दिन के लिए छोड़ के देखिए, उसी से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, खासतौर पर बॉडी के पेन एंड ब्लड शुगर लेवल, उसी एक चीज़ से। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको पूरी तरह छोड़ना है एनिमल फूड को, एनीथिंग कम्स आउट ऑफ एनिमल। स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, ऐसे स्नैक्स ले सकते हैं मुट्ठी भर रोज। फ्रूट्स हैं, 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं 6 बजे तक। धूप 40 मिनट, इफ नॉट 40 मिनट 14 मिनट 15 मिनट। दीज 3 स्टेप्स आर कॉल्ड DIP डाइट। आज से 12 साल पहले मैंने इसका ईजाद किया था, और अब इसके बाद सबसे पहले तो आयुष मंत्रालय ने इस पे क्लिनिकल ट्रायल किया, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि DIP डाइट काम करता है कि नहीं हड्डियों की बीमारी में। क्योंकि DIP डाइट में तो दूध ही नहीं है, तो हड्डियाँ तो उन लोगों की खराब हो जानी चाहिए, खासतौर पर जो हड्डियों के पेशेंट हैं। DIP डाइट को, यानी कि डेयरी माइनस करने के बाद जो डाइट मैंने बताया, वो जब पेशेंट को दिया जो हड्डियों के बीमार पेशेंट हैं, तो ये देखा गया कि उनकी हड्डियाँ मजबूत हो गई। ये क्लिनिकल ट्रायल है, वो भी आयुष मिनिस्ट्री का। फिर क्लिनिकल ट्रायल DIP डाइट पे नेपाल की सरकार ने किया, और नेपाल की सरकार ने पाया कि DIP डाइट अगर 7 दिन तक दें तो कोई खाए तो उसका ब्लड शुगर इतना कम हो जाता है कि दवाइयाँ छोड़नी पड़ती हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़नी पड़ती है, और फिर उनका मोटापा भी कम होने लगता है। यानी कि अगर आप डायबिटीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये DIP डाइट इज़ वंडरफुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो जो फल खाएंगे वो मीठे फल, आम और चीकू, अंगूर, जितना ज़्यादा मीठा फल खाएंगे उतनी जल्दी आपका ब्लड शुगर कम हो जाएगा, उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि भाई एक तो कुछ सुनने में दिक्कत आ रही लगता है, ये तो उल्टा ही कुछ सुनाई दे रहा है, आप सही सुन रहे हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि आम नहीं खाना चाहिए डायबिटीज़ वालों को, तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो आम खाते ही नहीं ना, तब तो उनका डायबिटीज़ ठीक हो जाना चाहिए था, ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देखेंगे, हैरान होंगे, आपको लगेगा ग्लूकोमीटर ही खराब हो गया, कि ढेर सारा सुबह आम, जब आम का सीजन होता है हमारे हॉस्पिटल में, ये राजा मुकुम जी बैठे हैं हॉस्पिटल में, पेशेंट आते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, उनको ढेर सारा आम ही खिलाते हैं, जैक फ्रूट खिलाते हैं, आम खिलाते हैं, बड़ा सा खूब सारे केले खिलाते हैं, और जितने में उनका मन या पेट भर जाए, और ऊपर से इंसुलिन भी छूट जाता है, ब्लड शुगर भी नॉर्मल हो जाता है। जो चीज़ें आपको ठीक कर सकती हैं उन सबको आपसे दूर कर दिया गया, फिर आप सोचते हैं ठीक क्यों नहीं हो रहे।
तो याद रखिए आम में, फलों में जो 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 शुगर होता है उसे कहते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज ब्लड में नहीं घुलता है, इसलिए ब्लड का शुगर बढ़ा नहीं सकता। आपने ब्लड ग्लूकोज सुना होगा, कभी किसी ने सुना ब्लड फ्रुक्टोज होता ही नहीं, क्योंकि जो फ्रूट का जो शुगर है, मोस्ट ऑफ द शुगर इट कैन नॉट गो इन टू द ब्लड, इट कैन गो इन द लिवर, राइट। तो मैं ये आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये तो क्लिनिकली प्रूवन हो चुका है और हमारे हजारों लाखों पेशेंट्स जो इससे ठीक हुए हैं, फूड एज मेडिसिन। एक क्लिनिकल ट्रायल किया मलेशिया में भी, तीसरा देश है मलेशिया जिसने डीआईपी रेट पे क्लिनिकल ट्रायल किया, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट पे। उन्होंने देखा 25 दिन अगर कोई डीआईपी डाइट खिला दे किडनी पेशेंट के, तो उनकी किडनी की बीमारी ठीक होने लगती है, उनका जीएफआर बढ़ने लगता है। तो ये क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे आपके सामने रखे हैं। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर कोई कोई भी बात बोलता है तो वो आप तभी मानिए जब वो एविडेंस दे। हजारों लोग एक ही बात अगर जोर जोर से शोर मचा के बोलेंगे तो वो सच दिख सकता है, सच बन नहीं सकता। याद रखिए, खासतौर पे जैसे बोलते हैं कैंसर है तो कीमोथेरेपी करा लो। कभी आपने पूछा कीमोथेरेपी कराने से पूरी दुनिया में कोई ठीक हुआ है, होता है, कोई क्लिनिकल ट्रायल है, ये सवाल किसी ने पूछा नहीं। आप सवाल पूछिए, इट इज मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। मैं आपको जो अभी बताऊंगा उसके एविडेंस भी देता जाऊंगा, और ये वो सारी चीजें जो घर पे ही आप कर सकते हैं। अब आते हैं ऐसे पेशेंट पे जो बहुत ही ज्यादा सीवियरली इल है, जैसे डायलिसिस के पेशेंट, हफ्ते में 2 डायलिसिस चलती है, हफ्ते में 3 डायलिसिस चलती है, ऐसे पेशेंट का क्या करेंगे? तो उनके लिए है मेडिसिन नंबर 3, ग्रेविटी एज मेडिसिन। तो ये हम यूज करते आए हैं पिछले 3 साल में, आपने देखा सो कॉल्ड कोविड, राइट। तो ये वीडियो चल जाएगा, आप प्लीज इसको रन कर दीजिए। सो कोविड टाइम में जिसे कोविड बोलते हैं उसे फ्लू बोलते थे, और कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग था और लॉकडाउन भी था, ये उस समय का हाँ इसका वीडियो। और हमारा कोविड सेंटर था और उसमें 1100 बेड थे, और उस कोविड सेंटर में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे ना तो कोई मास्क, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना कोई सैनिटाइजर, राइट। और 60,000 पेशेंट्स टोटल हमने थ्रू फोन और जो फिजिकली आए उनको ठीक किया, एक की भी डेथ नहीं हुई, नॉट अ सिंगल डेथ। 60,000 और उनमें से 33% वो थे जो सीवियरली इल, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के ही आते थे हमारे पास। ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के आने का कारण ये था कि पहली बात तो ये थी कि हमारे कैंप में जो हमारा सेंटर था वो फ्री था, और जो ऐसे पेशेंट, अहमदनगर सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे पेशेंट्स, उसी का वीडियो भी है यहाँ पे, जो किसी और हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर ने बोल दिया आप तो ऑक्सीजन सेंटर से बात नहीं कर रही, वेंटिलेटर पर जाना पड़ेगा, पेशेंट के पास पैसा नहीं है, तब उसी हालत में उठा के हमारे सेंटर में जाके भर्ती करा देते थे। तो ऐसे पेशेंट भी थे और उनको भी हमने मरने नहीं दिया, यहाँ हमने यूज़ किया द थर्ड मेडिसिन, ग्रेविटी एज मेडिसिन। तो ये मेडिसिन बड़ा ही पावरफुल मेडिसिन है। इस मेडिसिन को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस रुकी और उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लगा हुआ है, सोचने वाली बात है, इतना तो ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना, तो उसके बुक में क्यों नहीं जा रहा, एक सिलेंडर लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, तभी क्यों जा रहा है, ये बात को मैं समझाना चाहता हूँ। ग्रेविटी एज मेडिसिन, ग्रेविटी एज मेडिसिन क्या है, जैसे आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ इस वक्त, तो ब्लड को हार्ट ऊपर खींच रहा है और ब्लड को ग्रेविटी नीचे खींच रही है। इन दोनों के बीच का बैलेंस, हार्ट ऊपर खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे, दोनों के बीच का जो बैलेंस है, दैट बैलेंस का मेंटेन होना ही लाइफ है, तभी हम जिंदा हैं। जो जिनका हार्ट कमजोर होता है, धीरे धीरे वो ग्रेविटी से हारती रहती है, यानी कि धीरे धीरे बॉडी का फ्लूइड पैरों में इकट्ठा होने लगता है, इसे कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। जिस तरह से आप अभी यहाँ बैठे हैं, वो वाले पेशेंट अगर ऐसे बैठेंगे जैसे मैं बैठा हूँ, जैसे आप बैठे हैं, तो कुछ देर में उनके पैर सूजने लगेंगे, बड़े होने लगेंगे। तो जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनके लिए वो एक चैलेंज है, तो यानी कि वो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट है। तो आपको ये समझना है कि ग्रेविटी का एक बॉडी में एक असर है, राइट। और ये असर कब खत्म होता है, ये असर खत्म होता है जब आप स्पेस में चले जाएं। एशिया के पहले स्पेस में जाने वाले फैम थुअन, वो मेरे मित्र हैं, वियतनाम के हैं, फर्स्ट एशियन टू गो ऑन स्पेस, राइट। वो बताते हैं, उन्होंने इसी पे रिसर्च किया, वो बताते हैं
स्पेस में जब वो जाएंगे तो ग्रेविटी तो होगी नहीं, तो एक ही प्रेशर होगा हार्ट का, राइट। तो ऐसे में ज़्यादा दिन वहाँ रहेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा, ज़्यादा दिन रहेंगे तो आप कमज़ोर होने लगेंगे, यानी कि ग्रेविटी का इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। वो अगर ग्रेविटी हट जाएगी तो भी बीमार पड़ेंगे, ग्रेविटी हावी हो जाएगी तो भी बीमार पड़ेंगे। इसका बैलेंस मेंटेन किया हुआ है आपकी बॉडी ने तो हम जिंदा भी हैं और हेल्दी भी हैं। यही ग्रेविटी को हम यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के इलाज के लिए, और यही हमने यूज़ किया था उस कोविड सेंटर में, हमारे फ्लू सेंटर में, और कैसे यूज़ किया था वो मैं आपको अभी डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूँ। अब देखिए मैं ऐसे बैठा हूँ लाइक दिस, आप भी ऐसे बैठे, आपने देखा होगा कि जो उस समय के पेशेंट्स थे कोविड के जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए थे, कई बार विजुअल थे, कार में बैठे हैं पेशेंट ऐसे ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं और मुंह में ऑक्सीजन सिलेंडर सा लगा हुआ है, आपने गौर किया ऐसे विजुअल्स थे। इस वक्त आप सब सांस ले पा रहे हैं ऐसे करके, अभी ऐसे बैठ के देखिए एक पल के लिए, आपकी सांसें इसी वक्त रुक जाएंगी। ट्राई टू डू इट राइट नाउ, राइट। आपने ये जो पोस्चर किया, इन दिस पोस्चर अब आपको महसूस होगा आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी अच्छी खासी, राइट। तो अब हुआ क्या, जैसे ही आपने पोस्चर चेंज किया, यही वाला पोस्चर आप देखा होगा कि कार में पीछे पेशेंट बैठा हुआ है, हताश ऐसे बैठा हुआ है, ऑक्सीजन की कोई खोज कर रहा है और वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसका ऑक्सीजन SpO2 गिरता जा रहा है, ऑक्सीमीटर में रीडिंग 60-50 ऐसे आती जा रही है, एक भयानक सीन था। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, अगर आपको थोड़ी बहुत हिम्मत है, एक ऑक्सीमीटर लीजिए या लगाइए और कुछ देर तक ऐसे बैठिए और वो ऑक्सीमीटर में चेक कीजिए, योर ऑक्सीमीटर योर SpO2 रीडिंग विल ड्रिप। लेकिन तब इम्पॉर्टेंट ये, तब आपका कोई दोस्त डॉक्टर होगा वो क्या बोलेगा, फिर मास्क लगा दो, ऑक्सीजन मास्क की जरूरत नहीं है। अब आप ऐसे बैठे हैं स्ट्रेट, अगर आप ऐसे बैठ जाए जैसे मैं अब बैठा हूँ, अब आप महसूस कीजिए आपका जो ऑक्सीजन इंटेक है, आपका जो एयर फ्लो है, आपकी ब्रीदिंग में अब आसानी होगी, ज़्यादा आपको लगेगा कि आराम से ब्रीद हो पा रहा है। याद रखिए कि जब मैं ऐसे बैठा हूँ तो हार्ट इज ऑन द टॉप, लंग इज अंडर दिस, तो लंग की कैपेसिटी 20% कम हो गई, और अब मैं जब ऐसे बैठा हूँ तो हार्ट दबाव नहीं डाल पा रहा है, बिकॉज हार्ट अलग हो गया है, अब मेरी लंग की कैपेसिटी 20% बढ़ गई है, ये 20% बढ़ गया है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लंग एंड डेथ, राइट। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, आते थे और आते हैं अभी भी हमारे 20 हॉस्पिटल्स में, अगर उनकी SpO2 ड्रॉप करती है तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग एन ऑक्सीजन सिलेंडर, राइट, वी पुट देम इन दिस पोस्चर, लेकिन पेशेंट तो बैठ भी नहीं सकते, वो तो बड़े कमजोर हैं, तो उनको हम लिटाते हैं। अब देखिए जब आप लेटते हैं, मान लो पेशेंट को कभी भी आप देखेंगे हॉस्पिटल में लेटा होगा, उसका पोस्चर लाइक दिस ऑन द टॉप, लंग इज अंडर, राइट। तो ऐसे में लंग इज स्क्वीज्ड, अब ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट। अगर उसी पेशेंट को मैं ऐसे लिटा देता हूँ लाइक दिस, राइट, ऐसे, तो अब उसकी लंग कैपेसिटी बढ़ गई है, राइट। तो इसे कहते हैं प्रोन पोजिशनिंग, दिस कॉल प्रोन पोजिशनिंग। तो जैसे हम पेशेंट को प्रोन पोजिशनिंग में रख देते हैं तो हम देखते हैं उनका SpO2 बढ़ने लगता है, आधा घंटा लगता है बट बढ़ जाता है, हम देखते हैं उनकी ब्रीदिंग सही होने लगती है, राइट, हम देखते हैं कि वो पेशेंट की सिम्टोमेटिक रिलीफ होने लगता है। तो ग्रेविटी को यूज़ करना है, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देंगे, अभी आप जो ब्रीद कर रहे हैं वो क्या ब्रीद कर रहे हैं, आर यू ब्रीदिंग ऑक्सीजन, यू आर ब्रीदिंग एयर, उसका एक छोटा सा पार्ट ऑक्सीजन है। हमारा बॉडी एयर ब्रीद करने के लिए बना है, ऑक्सीजन ब्रीद करने के लिए नहीं बना, प्योर ऑक्सीजन या नियरली प्योर ऑक्सीजन जब ब्रीद करेंगे दैट कॉजेज निमोनिया। तो ये हमें समझना होगा कि पॉइजन देने की क्या जरूरत है, अगर हम पोस्चर को चेंज कर देंगे दैट पोस्चर विल हेल्प अस reduce the symptom and give the same relief or better relief which we are expecting from the oxygen cylinder. Gravity as medicine. तो हमारे कोविड सेंटर में नियम था कि जैसे ही कोई कोविड पेशेंट आएगा हम उसे फ्लू पेशेंट बोलेंगे, कोविड पेशेंट बोलेंगे नहीं, पहली बार तो यही नियम था। उस पेशेंट से गले लगना है, उसका मास्क उतार के फेंक देना है, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, सैनिटाइजर कहीं होना दिखना नहीं चाहिए, दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन सेंटर नहीं होना चाहिए, सारे नियम उल्टे। और
आयुष मंत्रालय लगा ये क्या हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं उसका उल्टा ही कर रहे हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम भेजा, उन्होंने 3 महीने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और ऑब्जर्वेशन स्टडी के बाद 3 महीने में आयुष मिनिस्ट्री ने लिख के दिया, और वो जो लिख के दिया वो ये है कि एक ज़्यादातर पेशेंट हफ्ते के अंदर ही ठीक हो रहे थे, ये उन्होंने देखा। और लोग डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे, फंक्शन हो रही थी, इवन शादियां रचाई गई कोविड सेंटर में। तो एक कपल बोल रहे थे हम तो यहीं शादी करेंगे, तो वो कपल आए और वहाँ शादी का सेरेमनी भी किया। एक तरफ तो लॉकडाउन था, लोग घर में बंद थे, दूसरी तरफ वहाँ पे सब लोग बड़े खुश थे। हम ये मानते हैं लव एंड कंपैशन हील्स, मास्क एंड आइसोलेशन किल्स। तो और ये उन्होंने लिख के दिया, एंड आगे उन्होंने लिख के दिया ये जो मॉडल है हमारा मॉडल में कोई दवाई नहीं थी, सिर्फ मौसमी का जूस था और कोकोनट वाटर था, और ये जो हम बता रहे हैं अगर सिम्टोमेटिक कुछ रिलीफ देना है तो ये था कि ये मॉडल आने वाले दिनों में सीवियर से सीवियर केसेस ऑफ कोविड में भी ये यूज किया जा सकता है, ये लिखित में उन्होंने दिया। और अगर ये सारा कुछ पढ़ना है तो आप ये जो किताब है इसका लिंक भी दिया हुआ है, ये फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया अभी, ज़्यादातर पेशेंट को इसी से आराम मिल जाता था, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे थे कि पॉस्चर चेंज करने के बाद भी उनके एसपीओ को नहीं ऊपर आता। तो उसके लिए हमारे पास एक और हथियार है, वो हथियार मैं लाया हूँ आज। ये देखिए 200 रुपये का फैन है, ध्यान से देखिए इसे। अब इसका इस फैन को अगर मैं अपने नाक से 6 इंच दूर करके ऐसे रखता हूँ जैसे मैंने रखा है, और मेरा पोस्चर आप देख ही रहे हैं, तो पेशेंट को इस पोस्चर में रखते थे ये फैन या तो वो खुद पकड़ेगा या कोई पकड़ लेगा, स्टैंड पे लगा देंगे। तो ये जो हवा मेरे इस एरिया में लग रहा है तो इसके इस एरिया के स्किन के नीचे है ऐसे रिसेप्टर जो आपके लंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ऐसे रिसेप्टर है। वो रिसेप्टर को स्विच ऑन करने के लिए आपको ये हवा फेंकनी होती है, राइट। तो और वो स्विच ऑन होते ही लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है और उसी वक्त आपका जो ब्रीदिंग की डिफिकल्टी है वो कम होने लगती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है। कई बार लोग हमारे पास, हमारे हेल्पलाइन थे और आज भी हेल्पलाइन है 24 घंटे का, फ़ोन करते हैं पेशेंट की कि पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए, सांस नहीं ले पा रहा है, वो बोल रहा है मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तो हम बोलते हैं हॉस्पिटल के लिए उनको ले चलो, वो बोल रहे थे मना मत करो, उनको गाड़ी में बिठाओ। गाड़ी में बिठाने के बाद हम सिर्फ इतना बोलते हैं खिड़की खोल दो, उनका बोलो कि खिड़की से बाहर झाके हॉस्पिटल कितना दूर है, और जब गाड़ी चल रही तो हवा लग रही है और कहते हैं मैं तो ठीक ही हो रहा हूँ। बाय द टाइम दे रीच द हॉस्पिटल द पेशेंट इज ऑल राइट, राइट। तो ये इतना मिरेकुलस है कि जब तक आप इसको करेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। और जो मैं बता रहा हूँ ये कोई मेरा इन्वेंशन नहीं है, ये ऑलरेडी मेडिकल लिटरेचर में है और वो यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल का मैंने रेफरेंस दिया हुआ है। ये रेफरेंसेस आप देख सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये किस तरह से प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं इसको, ये जो पोस्चर इस पोस्चर में लेटते ही आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है जिससे पेशेंट की ब्रीथ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेविटी एज मेडिसिन, जिस तरह से लंग का एक पोस्चर है, जिस पोस्चर में लंग को हम बेटर यूज कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से बॉडी के हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर पोस्चर है। वो पोस्चर अगर आपने सीख लिया तो वो वाला मेडिकल इमरजेंसी में आप उस पोस्चर से पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं या रिलीफ दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में किडनी पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं 70% तक, हिमसेवियम में भी 70% पेशेंट आप किडनी के ही देखेंगे। आज भी इस ऑडियंस में कुछ पेशेंट्स हॉस्पिटल्स आए सर, कुछ पेशेंट्स आज कैंसर वाले पेशेंट्स आए, तो किडनी के पेशेंट्स अगर आप चाहेंगे तो देखेंगे। तो हम किडनी के पेशेंट के लिए क्या करते हैं इसको समझना होगा। पहले तो किडनी क्या है ये समझना पड़ेगा एक मिनट में। जो भी बॉडी में ठीक चीज़ नहीं है, चाहे एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन हो, चाहे एक्स्ट्रा पोटेशियम हो, एक्स्ट्रा सोडियम हो, वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। यही पेशाब का काम है, ये काम किडनी करती है। किडनी अगर ये काम ना कर पाए तो ऐसे लोगों का पेशाब कम बनता है, 700 ml की जगह 400 ml बनेगा, 1 लीटर की जगह 500 ml बनेगा, बहुत कम बनेगा। यानी कि ज़्यादातर पेशाब या फ्लूइड
बॉडी में ही डिपॉजिट हो जाएगा, जो उनके चेहरे पे दिखाई देगा, हाथों में, लिम में, पैरों में ज़्यादातर दिखाई देगा, सूजन रहेगी, राइट। तो यानी कि वो किडनी काम नहीं कर रही है, राइट, और किडनी काम नहीं कर रही तो वो फ्लूड बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है, बॉडी के लिए बोझ बनता जा रहा है, यही है क्रॉनिक किडनी डिजीज। ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं कि ग्रेविटी एज मेडिसिन यूज़ कर लो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये इतना आसान है कि आपको लगेगा कि भाई ये तो काम करेगा कि नहीं, वी आर नॉट श्योर। तो क्या करते हैं हम, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये चारपाई है और ये पेशेंट है, पेशेंट को हमने लिटाया जैसे कि वो लेटना चाहता है, कोई भी पोस्चर में लेट सकता है पेशेंट, और हमें सिर्फ इतना करना है, आप इस चारपाई को देखिए, अगर देख पा रहे हैं, एक तरफ ऑन वन साइड तीन ईंटें रख के चारपाई को ऊंचा कर देना है। दूसरी साइड तो वैसे ही है जैसे, ये जिसे बोलते हैं हेड डाउन टिल्ट, यानी कि सिर उस तरफ जिस तरफ नीचे है, और तीन ईंटें रख दिया, एक फीट ऊंचा कर दिया, ऐसे कर दिया। इस पॉस्चर में जब पेशेंट 2 घंटे रोज लेटता है, हमारे पेशेंट्स, तो इससे क्या है कि ब्लड पैरों से पूल होकर किडनी की तरफ आता है, किडनी में प्रेशर बनता है, यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, उसका जो सूजन है कम होने लगती है, किडनी रिवाइव करने लगती है, और जो क्लासिक सिम्टम ऑफ किडनी पेशेंट, चाहे वो स्वेलिंग है, चाहे एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर है, ये सारे नॉर्मलाइज होने लगते हैं। नॉर्मलाइज कितने दिन में होता है? 15 दिन लग जाता है, 20 दिन लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, राइट, उसको तो घर पर ही करना है। तो दिस वी यूज एक्सटेंसिवली फॉर आवर क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट। इसको, और ये जो मैंने अभी बताया, ये सारे एविडेंस बेस्ड है, राइट। ये अगर आपको इसके एविडेंस आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो किताब है, और ये vishnu.com/ebook में जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक और बात है, ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, हफ्ते में 2-3 बार, यानी कि वो एंड स्टेज फेलियर हो गया, मतलब वो हद ही कर दी, बिल्कुल ही गड़बड़ हो गई, तो उनके लिए अभी तक जितने नियम बताए, 3 नियम बताए ना मैंने, टाइम एज मेडिसिन भी देते हैं, फूड एज मेडिसिन, DIP डाइट प्लस ये ग्रेविटी, तीनों के अलावा चौथा भी उनको जरूरत पड़ती है, चौथे मेडिसिन की, जिसका नाम है हीट एज मेडिसिन। हीट भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्यों, कैसे, क्या, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उनको क्या करते हैं, अगर आप देखें, ये उनका प्रोटोकॉल है हमारे हॉस्पिटल में, प्रोटोकॉल इज वेरी सिंपल। ऐसे पेशेंट जो हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस करने जाते हैं, अगर आपको ऐसा पेशेंट मिले तो ये आप भी बता सकते हैं, DIP डाइट जो आपको पता चल गया है, हेड डाउन टिल्ट जो आपको पता चल गया, 2 घंटा प्लस हॉट वाटर इमर्शन 40 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे गले तक पानी, 2 घंटा अगर इंसान बैठता है तो इस पॉस्चर में जब बैठेगा जैसे मैंने आपको दिखाया, तो उसका जो तीसरा किडनी है वो काम करने लगेगा। तीसरा किडनी कौन सा है? योर स्किन इज योर 3rd किडनी। भगवान ने आपको 3 किडनी दिए, 2 बॉडी के अंदर और 1 बाहर, वो है योर स्किन। लेकिन स्किन किडनी में कन्वर्ट तब होता है जब 2 प्रिंसिपल काम करे, लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करे एंड हीट काम करे। जब आप अभी बैठे हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर पे, बॉडी पे। लेकिन ये जो इंसान यहाँ बैठा हुआ है, मैं आपको अगला स्लाइड दिखाता हूँ, हमारे हॉस्पिटल का पिक्चर, ये हमारे हॉस्पिटल, इसका वीडियो चलेगा, देखिए ये हॉस्पिटल का पिक्चर है, और अगर आप जाएंगे हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे, तो यही वाला पिक्चर आपको दिखेगा। तो ये जो आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं, ये पानी 40 डिग्री सेल्सियस है, गर्म है, राइट। उसके लिए पेशेंट के हाथ में थर्मोमीटर होता है, वो देख के मैनेज करता है, ये छोटा सा थर्मोमीटर, वाटर थर्मोमीटर, और 2 घंटे जब बैठते हैं तो स्किन, यहाँ तक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इससे नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर प्लस हीट, ये 2 जब लगते हैं तो स्किन से वो सारे टॉक्सिन निकलने लगते हैं जो आप वैसे पेशाब से निकालते हैं, एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन हो, एक्स्ट्रा पोटेशियम हो, एक्स्ट्रा सोडियम हो, एक्स्ट्रा शुगर हो, वही सब। 2 घंटे बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो दोबारा हम जब बॉडी वेट चेक करते हैं तो बॉडी वेट लगभग 500 ग्राम कई बार 1 किलो कम मिलता है, वो वाला 500 ग्राम है जो पेशाब के रास्ते निकलना था, राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि किडनी को मौका मिल जाता है रिलीफ का, अपने आप को रिवाइव करने का, बिकॉज अब बॉडी में स्किन ने किडनी का काम संभाल लिया है,
और उसके बाद जब देखते हैं स्वेलिंग स्वेलिंग चली गई, उसके बाद जब देखते हैं ब्लड प्रेशर जो कि एक्सट्रीमली हाई था वो नॉर्मल होने लगा पहले दिन से। सो दिस वी कॉल इट हॉट वाटर इमर्शन। तो जब ये तीनों चीज हम एक साथ मिला के करते हैं, व्हेन वी गिव ऑल द थ्री टुगेदर, इसको नेक्स्ट करना वहां से, नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज स्लाइड यहां से कंट्रोल नहीं हो रहा, नेक्स्ट ओके। ये जुगाड़ है हॉट वाटर इमर्शन का। तो ठीक होने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक होने की इच्छा की जरूरत है, राइट। अगर कोई बोलता है पैसे नहीं थे तो ठीक नहीं हुआ, तो मैं इस बात को नहीं मानता, राइट। अगर आपके पास इच्छा है तो जुगाड़ हो जाएगा। हमारे कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में से जो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्रिज ले लेते हैं, फ्रिज का दरवाजा तोड़ के फेंक देते हैं, उसको लिटा देते हैं, उसके अंदर पानी डाल के बैठ जाते हैं। कई लोग सिंटेक्स का टैंक को दो टुकड़े में काट देते हैं और उसमें एक टुकड़े में बैठ जाते हैं, राइट। और गर्म पानी के लिए एक थर्मोस्टेट ले लेते हैं जिससे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो घर पे किए और वो ठीक हो गए। उनकी कहानी अगर आपको सुननी है, समझनी है, तो ये किताब है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट की, जिनको बोल दिया गया था कि आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, आपको डायलिसिस पे तब तक रहना पड़ेगा, वो उनकी डायलिसिस भी छूट गई, ट्रांसप्लांट की जरूरत भी छूट गई। और हालांकि 100% लोगों को हम ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन 75% लोगों को तो ऐसा कर ही पाते हैं यही। और ये ऑब्जर्वेशन स्टडी श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी राजस्थान का यूनिवर्सिटी है और दयानंद कॉलेज जालंधर, इन दोनों ने मिलके हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे 100 पेशेंट पर उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने पाया कि जो पेशेंट पूरी तरह से पालन करते हैं उनमें 75% पेशेंट्स का डायलिसिस हमेशा के लिए छूट जाता है। यानी कि डायलिसिस से फ्री होना पॉसिबल है, फ्री में वो भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप घर पर ही कर सकते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन स्टडी अब दुनिया का एक बहुत ही जाना माना जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट किया टू पब्लिश इन देयर जर्नल। तो इसका मतलब है कि लेजिटिमेसी इसका होता जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो पेशेंट हैं जब वो खुद करेंगे तो उनको जैसे जैसे रिलीफ मिलेगा तो वैसे वैसे उनका विश्वास भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको दो बातें बता दी, एक बात तो ये कि लंग को हम यूज़ कर सकते हैं ग्रेविटेज मेडिसिन, फिर मैंने बताया किडनी में भी कैसे हम ग्रेविटी को यूज़ कर सकते हैं एज ए मेडिसिन। अब ऐसे ही हार्ट में भी हम कर सकते हैं, हार्ट खास तौर पे एंजाइना या सडन हार्ट अटैक आता है, पूरी बहुत बॉडी पेन होता है या लेफ्ट साइड में पेन होता है, पसीने छूटने लगते हैं, ये एक भयानक स्थिति है। जो भयानक स्थिति आप सुनते आए हैं और घबराहट, मतलब ये सोच के भी घबराहट होते हैं, अगर हमें ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो आपको सिर्फ एक ही चारा है जो अभी तक करते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। याद रखिए जो होना है 15-20 मिनट में हो चुका होगा, आधे घंटे में हो चुका होगा, और आज की दुनिया में आधे घंटे में एम्बुलेंस आके आपको ले जा रही, इलाज भी हो जाए। पहली बात तो इलाज जो करेंगे वो इलाज अपने आप में क्वेश्चनेबल है, उसकी बात तो छोड़ देते हैं, आज वो टॉपिक नहीं है मेरा, लेकिन आप उसको क्या करेंगे। हमारे हॉस्पिटल में ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं ग्रेविटी एज मेडिसिन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ग्रेविटी को हार्ट को सपोर्ट करने बोलते हैं, जिस तरह से लंग को ग्रेविटी सपोर्ट कर सकती है, किडनी को सपोर्ट कर सकती है पोस्चर को बदल के, वैसे हार्ट को भी सपोर्ट कर सकती है। देखिए स्टेप वन, मान लो पेशेंट है, पेशेंट को एंजाइना है, वो पसीने छूट रहे हैं उसके, बड़ा तेजी से दर्द है, तो पहला स्टेप उसको जमीन पे बिठाना है। मान लो मैं ही पेशेंट हूँ, तो जमीन में बैठ गया पेशेंट और बैठ के पीछे सपोर्ट हो जैसे है, एंड ये जो मेरा पोस्चर है जैसे अभी बैठा हूँ लाइक दिस, दिस इज हार्ट सेफ पोस्चर, ये है हार्ट सेफ पोस्चर। चेयर पे ऐसे नहीं बैठना, क्योंकि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा नीचे गिरेगा, यहाँ अनकॉन्शियस होगा तो ज़्यादा यहीं गिरेगा। तो जैसे ही कोई ऐसा कंप्लेन करे तो वो पेन और ना बढ़े, डैमेज ना ज़्यादा करे, तो हार्ट को सपोर्ट करना है, तो दिस बिकम्स द पोस्चर जिसमें उसको रिलीफ मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, राइट। तो पहले तो ये करना आसान है, क्योंकि इसके लिए किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं है, नॉलेज की जरूरत है, नीचे बिठाने की जरूरत है, पीछे एक सपोर्ट की जरूरत है, दिस बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। स्टेप टू, जैसे ही पेशेंट को आपने ऐसे बिठाया तो साथ में एंजाइना को फर्दर कम करने के लिए आपने अदरक इतना सारा अदरक मुँह में ठूस दिया, और वो कॉन्शियस है तो वो चबाएगा उसको, राइट, चबा रहा है उस पोर्शन में बैठा हुआ है, जब तक वो चबा रहा है तब तक चबाएगा जब तक आँख से आंसू ना आ जाए, जैसे जैसे आँख से आंसू आएंगे वैसे वैसे पेन कम होगा। सिमल्टेनियसली हम अपने हॉस्पिटल में क्या करते हैं, अगला पिक्चर में दिखाता हूँ,
ये बकेट है, बकेट में 45 डिग्री सेल्सियस पानी, जो कि कम पानी है, उसमें दोनों पैर डाल दिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ब्लड वेसल पैरों के खुल जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इमीडिएट रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन फॉर 30 मिनट्स, राइट। तो ये तीन स्टेप, और जो मैंने अभी बताया इसका रेफरेंस भी यहाँ पे है, ऐसा नहीं कि कोई मेरा बनाया हुआ कोई तरीका है, ये पहले से एस्टेब्लिश्ड है, राइट। ये तरीका हम यूज़ करते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज वॉट वी यूज। 29th of September, दैट इज वर्ल्ड हार्ट डे में आपके शहर में दैनिक भास्कर ने यही वाली जो मैंने बात बताई, ये खबर यहाँ छापी थी, पढ़ा था आप में से किसी ने? काफ़ी ने पढ़ा था। तो उसके बाद परिणीता, उनका फ़ोन आया मेरे पास, खबर छापते ही बहुत सारे डॉक्टरों का प्रोटेस्ट शुरू हो गया, ये तो अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं, ये तो गलत बात कर रहे हैं, लोगों को गलत मैसेज जा रहा है। जबकि मैं बता रहा हूँ ये हम ऑलरेडी करते हैं और अनसाइंटिफिक नहीं है, उसके मैंने आपको दिए हैं और सबूत मैं आपको दे देता हूँ। अदरक एक मेडिसिन की तरह काम करता है और उसी वक्त लिटरली काम करना शुरू कर देता है, इसका सबूत आपके आँखों के सामने, ये वीडियो का लिंक भी आपको दे देंगे ताकि उस सभी सबूत को आप वेरीफाई भी कर सकें। और ये तीन स्टेप जो बताए, ये कहीं भी हो सकता है, इसके लिए कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं है। और अक्सर हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे नाइस एक्सपर्ट बोलते हैं पूरे देश में जो हैं, और उनको ये सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, और उसका एक एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, ये पिछले साल की बात है, और जब आंदोलनकर्ता में से एक का स्ट्रोक आया और उस वक्त भी उसके ऊपर यही किया गया और वो ठीक होके अपने पैरों पे घर चला गया, हॉस्पिटल नहीं गया, घर चला गया। लोकमत की खबर है, नागपुर का न्यूज़ है, और जिस आदमी के साथ हुआ वो सचिन, वो एक बहुत बड़ा नेता है। मतलब ये छुपी हुई चीज़ नहीं है, दीज आर वेरी सिंपल थिंग एंड पावरफुल थिंग। मुश्किल से मुश्किल लगने वाली प्रॉब्लम का एक आसान से आसान सलूशन हो सकता है, इस बात को मान के चलिए। कोई भी सलूशन तब सलूशन माना जाए जब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत महंगा दिखे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुदरत की कई सारी चीज़ें मिराकल की तरह काम कर सकती हैं या काम करती भी हैं। तो ये मैं आपको बात बता रहा था, दैट इज़ द फोर्थ मेडिसिन। अब आता है एक आखिरी मेडिसिन की बात कर लेते हैं, पाँचवा मेडिसिन, दैट इज़ अर्थ एज मेडिसिन। ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसी से बात करता हूँ, फिफ्थ मेडिसिन, अर्थ एज मेडिसिन। इसमें बहुत ही सिंपल है, इसका एक्सपेरिमेंट भी आप करके देख सकते हैं। जेट लैग क्या होता है आपको पता है कि यहाँ से US जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद रात को नींद नहीं आएगी, वहाँ की रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ का रात यहाँ का दिन है, ऐसी है ना, वहाँ का रात इस यहाँ का दिन। तो आपको नींद कब आएगी, जब यहाँ का रात होगा जो कि वहाँ का दिन है, और ऐसा कई दिनों तक चलेगा, धीरे 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 आप ट्यून होंगे। इसे कहते हैं जेट लैग। ये सर्कैडियन रिदम का बिगड़ना भी है, जैसे आप ज्योग्राफिकली किसी और जगह जाएंगे तो यहाँ के ज्योग्राफी के हिसाब से आपका बॉडी काम कर रही है और वहाँ के ज्योग्राफी के हिसाब से सोशली आपको काम करना है, तब ये जो लैग हो जाता है इसे कहते हैं जेट लैग, राइट। अच्छा, इसको एक कैसे, इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये मोबाइल है मेरे पास, और प्लेन में चढ़ने से पहले या प्लेन में चढ़ने के बाद फ्लाइट मोड पे हम कर देते हैं और US में उतरते हैं। अब जब मोबाइल में फ्लाइट मोड में, तो टाइम कहाँ का दिखाएगा, US का कि इंडिया का? इंडिया का दिखाएगा, राइट। US में मैं इस मोबाइल को जब भी देखूँगा टाइम इंडिया का दिखाएगा, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि US का टाइम दिखाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मोबाइल को वहाँ के नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ के नेटवर्क से मैं एक दिन में कनेक्ट करूँ, 10 दिन बाद कनेक्ट करूँ, 1 महीने बाद कनेक्ट करूँ, मेरी मर्जी है, लेकिन जितने दिन लग जाएंगे उतना समय तक भारत का ही ये टाइम दिखाएगा, राइट। जिस तरह से मोबाइल को वहाँ के लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करना है, अगर मैं वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से मोबाइल को रीसेट करना चाहता हूँ, ठीक उसी तरह से आपके बॉडी का नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को वहाँ के लोकल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से कनेक्ट करना, वो कैसे करेंगे, जैसे आप हवाई जहाज से उतरे, आपने जूते मुझे उतारे और अपना पैर लेके सीधे वहाँ की धरती पे, मिट्टी पे, घास पे लगा दिया, ऐसा अगर आप 40 मिनट तक करते हैं तो आपका बॉडी रीसेट हो जाता है वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से। इसे कहते हैं अर्थ।
तो अब ये अगर नहीं करेंगे तो बॉडी के पास बाकी जो क्लू है कि बॉडी को जब रोज दिखता है कि ये रात है या दिन है तो बॉडी धीरे धीरे रीसेट करती है. लेकिन अगर आप इमीडिएटली रीसेट करना चाहते हैं दिस मीन्स अर्थ एज मेडिसिन, राइट, जो कि हम नॉर्मली कभी भी ऐसा नहीं करते. लेकिन इसका अभी मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा था क्योंकि इसका उपयोग इससे अलग और बहुत ही ज़्यादा गहरा है, खास तौर पे ऐसे पेशेंट्स जिनको दर्द होता है बॉडी पेन, राइट. तो एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं. अर्थ से जुड़ने वाली बात अगर करें तो दुनिया में इंसान, खासतौर से अमीर इंसान, अर्थ से डिसोसिएटेड. हम हमेशा जूते पहन के रखते हैं, घर पे भी जूते पहन के रखते हैं. घर पे तो क्या फ्लोर है वो अर्थ से जुड़ा ही नहीं है वैसे भी, राइट. और सारे जानवर वो बिना जूते के रहते हैं, या जो भिखारी गरीब है वो बिना जूते के रहते हैं. आप देखेंगे कोई बहुत गरीब भिखारी वो बहुत सीवियरली इल नहीं होते, डायलिसिस की जरूरत पड़े, इंसुलिन की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं होता. सर बीमार पड़ते हैं बट इस तरह से नहीं पड़ते, राइट. क्यों? क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, जिस तरह से आपके बॉडी को जरूरत है विटामिन एंड मिनरल की, बॉडी को एक और चीज़ की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का पूरे दुनिया में डोनर सिर्फ एक है, वो है अर्थ. जैसे ही आप ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है ना वो समझेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन वो भी समझेंगे, जैसे ही आप अपना पैर इस फ्लोर पे नहीं धरती पे रखते हैं, बाहर मिट्टी पे रखते हैं, घास पे रखते हैं या पेड़ कुछ होते हैं फॉर दैट मैटर, जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन धरती फ्लो करती रहेगी जब तक कि आपका बॉडी का वोल्टेज जीरो ना हो जाए. इस वक्त अगर आप वोल्टमीटर वही जो इलेक्ट्रिशियन के पास होता है उसी से अगर अपना वोल्टेज मेजर करें, आप जैसे इंस्ट्रूमेंट का करते हैं वही मेथड से अपने बॉडी का वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं उसी इलेक्ट्रोड से, राइट. आप किसी भी, आप एक काम कीजिए, किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बोलिए कि मान लो मैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेरा वोल्टेज बताना, तो उससे बता देगा 0.023 कुछ ना कुछ बोलेगा. अब बोलेंगे चलो बाहर आओ, और बाहर जाने के बाद अब आप धरती पे नंगे पैर रखिए, बोलिए आप चेक करना, तो बोलेगा 0 वोल्ट. एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, जब आपके बॉडी का वोल्टेज 0 होता है तब आपकी इम्यूनिटी हाईएस्ट होती है. यानी कि कोई भी चीज अगर क्योर करना हो तो आपको इम्यूनिटी हाईएस्ट चाहिए. तो इम्यूनिटी हाईएस्ट करने का एक तरीका क्या है कि बॉडी की वोल्टेज को 0 कर दो. अब अगर आप बॉडी की वोल्टेज को कितनी देर 0 करो, कम से कम 10 घंटे एक दिन में, वो कैसे करो? उसका एक इनडायरेक्ट तरीका जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, अगर हम बोलेंगे 10 घंटे आप जमीन पे बैठे रहिए, वो तो नहीं हो सकता इस तरह के लाइफस्टाइल में. एक तार लीजिए कॉपर का, उस तार का एक छोर को अपने हाथ में बांध दीजिए या पकड़ लीजिए, दूसरे छोर को बाहर जमीन में गाड़ दीजिए. अब आप इलेक्ट्रिशियन से पूछिए कि आप देखो मेरे बॉडी का वोल्टेज क्या है, तब भी वो 0 होगा. तो हम यही करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में आइए कभी तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बेड शीट है, उसमें तार पिरोया हुआ है और तार एक विंडो से बाहर जाता है और जमीन में गड़ा हुआ है. जब पेशेंट आप ऐसे बेडशीट पे सोते हैं तो नींद गहरी आती है, राइट. नंबर 1 पेन उनका कम होने लगता है, नंबर 2 उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, नंबर 3 और उनका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है, नंबर 4 इसके जो हमने आंकड़े लिए हैं अपने, ये सारे तो रेफरेंसेस हैं जो मैंने अभी तक बताया आपको, दीज आर रेफरेंसेस. और ये आंकड़े हैं कि जो लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, अगर 20 मिनट अगर वो धरती से जुड़ जाए, दैट इज इक्वल टू 1 डिप्रेशन मेडिसिन. अगर पैल्पिटेशन हो और 45 मिनट अगर वो धरती से जुड़ जाए तो पैल्पिटेशन नॉर्मल होने लगती है, और पेन रिलीफ में 1 घंटा लगता है. कई बार ऐसे हमारे जो इमरजेंसी हेल्पलाइन है वो फ़ोन करते हैं कि हम ट्रेन से बोल रहे हैं, हमारे पास तो दवाई भी नहीं है, हमें बहुत दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, तो क्या करें? हम उनको बोलते हैं, वो अपने आप भी कुदरती, वो कई लोग करते हैं कि वो ट्रेन का खिड़की या कोई भी लोहा पकड़ लो. ट्रेन का जो व्हील्स है वो किसके, लोहे के बने हुए हैं. ट्रेन की जो पटरी वो लोहे की बनी हुई है. ट्रेन की पटरी को जो जमीन से जोड़ते हैं वो ट्रैक भी लोहे का बना हुआ है. अगर आप ट्रेन को पकड़ लेंगे तो आप लिटरली धरती को पकड़ रहे हैं एक तरह से. और ऐसा जब वो करके रखते हैं कुछ देर तक तो कहते हैं मेरा पेन तो चला गया ना, चलो ठीक है काम हो गया. तो बोलने का मतलब यह है कि मुश्किल से मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम का सलूशन आसान हो सकता है. और किसी चीज का हल पाने के लिए पैसा हो वही जरूरी नहीं है, राइट.
जिसको भी जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है उसको हेल्दी रहने का हक है। इसी तरह से कुदरत बनाई गई है, इस तरह से कुदरत एग्जिस्ट करती है। अगर हमारे पास पैसा है तो ही हम हेल्दी रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्थ को ला सकती है, आपने गौर किया उनमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप बांध के रख सकें, बॉटल में बंद करके रख सकते हैं, जिसको आप खरीद सकें, बेच सकें। दीज ईच ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल टू ईच ऑफ वन ऑफ अस इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, राइट। तो इस बात को हमें समझना होगा कि अगर कोई सोचता है कि भाई कोई दवा हमें ठीक कर देगी तो दवा तो ठीक नहीं करेगी, ठीक ऐसे ही होंगे। और जो मैंने अभी बताया उसके अगर सबूत आपको चाहिए, cure@0volt मेरी किताब है, bishru.com/ebook में जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें सारे एविडेंसेस दिए हुए हैं। एक आखिरी बात वो ये भगत सिंह जयंती लास्ट महीने 28 सितंबर को ये किताब रिलीज की, व्हेन क्योर इज क्राइम। आप हमारे 20 में से किसी भी हॉस्पिटल में आएंगे तो आप हैरान होंगे कि हमारे क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट, उनकी डायलिसिस बंद हो जाती है, हमारे इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 चिल्ड्रन उनकी इंसुलिन छूट जाती है, हमारे थैलेसीमिया के बच्चे जिनको बोला गया था कि हर महीने आपका ब्लड चढ़ेगा, जिंदगी भर चढ़ेगा, चढ़ भी रहा था, उनके ब्लड चढ़ने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, हमारे ऐसे पेशेंट जो कीमोथेरेपी में थे उनकी कीमोथेरेपी बंद हो जाती है, सिम्टम चले जाते हैं। और तब हम क्या करते हैं, क्यों कैसे होता है, हम यूज़ करते हैं यही 5 मेडिसिन, राइट। और इंटरेस्टिंग बात है, इस 5 मेडिसिन को के लिए आपको हमारे हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है, तो आपके घर पे भी अवेलेबल है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 5 दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, इनमें से 5 छोड़िए, एक्सपेरिमेंटली एक दवाई से शुरू कीजिए, पहला वाला टाइम मेडिसिन, राइट। जब उससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा तो हिम्मत आएगी कि दूसरे पे आइए, फूड एज मेडिसिन, राइट। इस तरह से फिर 5वें पे आ जाइए, दैट इज़ ईजी, राइट। कि ऐसा बेडशीट बना दिया मैंने, अपने घर पर बनाया है, राइट, जिसमें कॉपर वायर हमने बिछा के रखे, उसी पे हम सोते हैं, उसे नींद बड़ी अच्छी आती है, नींद बड़ी अच्छी आती है। अगर आपकी नींद अच्छी आए तो याद रखिए, जब नींद अच्छी आती है दैट इज़ द टाइम जब बॉडी रिकवरी मोड में होती है, राइट। तो नींद को हमें ठीक कर देना है। नींद को ठीक करने के लिए एक आखिरी 2-3 मिनट मैं लूँगा। मान लो किसी को नींद ठीक से नहीं आती, तो उसका एक उपाय है या एक कारण है। कारण ये, जब तक सूरज है, राइट, तब तक आपको ब्राइट लाइट में ज़्यादातर जितना हो सके रहना है, ब्राइट लाइट, राइट। और सूरज डूबने के बाद लाइट जितना कम होगा या ना होगा उतना अच्छा है। दिन में अगर आप ब्राइटनेस में रह सकें तो रात की नींद अच्छी आती है, राइट। तो इस बात को समझिए कि जिस तरह से ये 2 आँखें हैं, हमारे स्किन में भी माइक्रो आँखें हैं। और जब मैं धूप की बात नहीं कर रहा, मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, धूप का एक पार्ट है लाइट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जितना लाइट ज़्यादा दिन में होगा उतना रात को मेलेटोनिन ज़्यादा बनेगा जो आपको नींद देगा। हम इसका उल्टा करते हैं, हम रात को लाइट में रहते हैं, जैसे अभी लाइट में है, राइट। स्क्रीन, ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट है, चाहे वो टेलीविजन स्क्रीन हो, चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो, लैपटॉप का स्क्रीन हो। आप गौर करेंगे, आज से जस्ट 100 साल पहले की बात है जब लाइट हमारे कंट्रोल में नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी था ही नहीं, तब लाइट का मतलब सिर्फ एक था, सूरज की रोशनी, या फिर छोटा मोटा कैंडल वगैरह, वो सब तो उतना भयंकर लाइट तो दे नहीं सकते। इंसान का इतिहास है 3-4 लाख साल का, 4 लाख साल से हम धरती पे हैं, सिर्फ 100 साल से हमने लाइट को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। आज का वो टाइम है, रात के 2 बजे भी हम लाइट जितना चाहते हैं वो ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देखिए इसको खत्म करता हूँ, वो ये कि अक्सर आपने देखा होगा कि रात को जब पेशाब आता है तो नींद इतनी आती है कि लगता है पेशाब के लिए जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन पेशाब इतनी ज़्यादा आती है कि नींद ना को ब्रेक करके मजबूरी में जाना पड़ता है, गौर किया आपने। लेकिन जब आप पेशाब करके वापस आने लगते हैं तो नींद फिर दोबारा नहीं आती, पलटते रह जाते हैं, राइट, स्ट्रगल करते रह जाते हैं। कारण क्या है कि जैसे ही आप पेशाब के लिए बाथरूम गए, जैसे बाथरूम का लाइट जला जो कि बिल्कुल ब्राइट लाइट है, एकदम से ब्रेन ने बोला तो दिन हो गया, सन हो गया, और दिन के जो हार्मोन से ब्रेन ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, अब आपको नींद नहीं आएगी। अब एक काम कीजिए, मुझे याद है बचपन में हमारे घर पे होता था, मैं 50 साल का हूँ तो 10 साल का था, तो घर पे हम सबके घर में 0 वॉट वो बल्ब होता था बाथरूम में, लेकिन अब बाथरूम में सबसे ब्राइट लाइट होता है, आपको थोड़ा मेकअप वगैरह करना हुआ उसके कारण से,
राइट। तो आपको आधी रात को जो लाइटें यूज करनी है वो एक अलग लाइटें होनी चाहिए, जो सिर्फ कैंडल लाइट टाइप की छोटी सी लाइट हो, ताकि बस आपको रास्ता दिखे उतना ही। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लाइट का एक उपयोग है, लाइट इज ए मेडिसिन। लाइट को गलत टाइम पे लेने से वो साइड इफेक्ट देता है। दिन में भरपूर लाइट लो और रात की लाइट को कम कर दो, क्योंकि जब तक स्लीप आपकी ठीक नहीं होगी तब तक बाकी सारी चीज़ें भी ठीक नहीं हो सकती। तो आप देखिए जितनी सारी बातें बताई हैं, आप खुद गिनिए कि इनमें से कितनी सारी चीज़ें हैं जो नेचुरली आपकी लाइफ का पार्ट है। और अगर आपका लाइफ का पार्ट नहीं है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम ठीक हैं? ठीक हो नहीं सकते, ये नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा, राइट। हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कुछ ना कुछ आप यूज़ करेंगे, हमारे लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत हम बदलेंगे, और जिससे विल मूव टूवर्ड्स हेल्थ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, बी हेल्थी। थैंक यू।